नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में सीबीएसई एग्जाम के बारे में। हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम अब मार्च में ना होकर फरवरी में होगी। इस नए नियम के हिसाब से क्या होगा, हम जानते हैं। 2018 में सीबीएसई की एग्जाम फरवरी में आयोजित होगी और यह फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। इसे एक महीने के अंदर ख़त्म कर लिया जाएगा और अप्रैल में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अब तक क्या होता था। अब तक जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी वो 1 मार्च से होती थी स्टार्ट और 20 अप्रैल को ख़त्म हो जाती थी और रिजल्ट मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित हो जाता था। अब हम बात करेंगे सीबीएसई को अपना जो एग्ज़ाम है उसकी डेट चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका एक प्रमुख कारण है कि जो एडमिशन के लिए छात्र काफ़ी परेशान होते थे बाद में, वो अब उनको परेशानी नहीं होगी। और दूसरा कारण यह है कि छुट्टियों के अंदर योग्य टीचर अपने अपने घर पे चले जाते हैं, इस कारण सीबीएसई को योग्य टीचर नहीं मिल पाते कॉपियाँ चेक करने के लिए। तो वो जो कम योग्य होते हैं टीचर उनसे ही कॉपी चेक करवाता है। इस कारण सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला लिया है। और दूसरा कारण यह है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसने एक बार नोटिफिकेशन जारी किया था कॉपियों को दोबारा चेक करने के लिए। सीबीएसई ने मना कर दिया था कि जो पुनर्मूल्यांकन है वो सीबीएसई बंद कर रहा है। तो इस बात को लेकर को जो कई माँ बाप हैं उन्होंने सीबीएसई के खिलाफ कोर्ट के अंदर याचिकाएँ लगाई। तो इस याचिका को भी देखते हुए सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।